प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजो हब बानसर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम था उनकी व्याख्या। ये प्रयोग व्यवस्था है, डायग्राम है, हमें इसको ध्यान से समझना है। देखो, पहले हम इसकी बनावट की बात करें, इस व्यवस्था की बात करें। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये इसमें एक निर्वात नलिका होती है जो कांच की बनी होती है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोड कहें तो ये हमारा कैथोड है सी और ये एनोड है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं कांच की नलिका में, कैथोड और एनोड। इसके साथ में यहाँ पे एक माइक्रोमीटर जोड़ दिया जाता है। इसके साथ में यहाँ एक दिक परिवर्तक लगा दिया जाता है। इसके साथ में ये वोल्टमीटर लगा दिया जाता है और वोल्टमीटर के साथ में विभव विभाजक लगा दिया जाता है। इसके साथ में बैटरी और कुंजी को जोड़ दिया जाता है। इसकी बनावट है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जैसे ही यहाँ प्रकाश से आपतित होता है इस कैथोड के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके प्रकाश से बाहर निकलते हैं, ये एनोड की ओर गति करते हैं। अब इनके कारण जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को माइक्रो एमिटर द्वारा माप लिया जाता है, ये अल्प धारा होती है। और ये है देखो दिक परिवर्तक, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है एनोड और कैथोड की ध्रुवता बदलना। जी हाँ, इसके द्वारा हम इनकी ध्रुवता बदल सकते हैं। देखो कैसे, तो अभी आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, जैसे ये जुड़ा हुआ है, ये बैटरी प्लस भाग है, ये जुड़ा हुआ यहां से, इसका मतलब यह हुआ कि ये अभी धनात्मक विभव के ऊपर है। और ये जो माइनस है, ये जुड़ा हुआ यहां से, ये अभी फिलहाल ऋणात्मक विभव पे है। अगर हम इसकी ध्रुवता चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, हम इसको यहां से जोड़ देंगे और इसको यहां से जोड़ देंगे, अब ये हो जाएगा धनात्मक विभव पर और इसका विभव क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पर। तो इस तरह से इन दोनों की ध्रुवता को चेंज करने के लिए दिक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारा कैथोड और ये एनोड है, इनके बीच में उत्पन्न होने वाले विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अब यह है विभव विभाजक, इसका काम क्या है, अगर हमें विभवांतर में परिवर्तन करना है एनोड और कैथोड के बीच में, या हमें अगर इच्छित विभवांतर प्राप्त करना है एनोड और कैथोड के बीच में, तो विभवांतर के मान को बदलने के लिए या इच्छित विभवांतर प्राप्त करने के लिए विभव विभाजक का उपयोग किया जाता है, और ये बैटरी और ये कुंजी। तो ये इसकी बनावट है। अगर हम इसकी कार्यविधि की बात करें, कार्यविधि में क्या होगा कि जब हम विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश या उच्च आवृत्ति का प्रकाश जब कैथोड पर डालते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके एनोड की ओर गति करते हैं। इनसे जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम अल्प धारा को माइक्रोमीटर द्वारा माप लिया जाता है, उस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।